नमस्कार, गुड फूड में आपका स्वागत है। आज हम कोया का स्वीट बनाएंगे तिरंगा के कलर्स में। कलर्स के लिए हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लिया है, वो बाद में देखेंगे। कोया के लिए आधा लीटर दूध है, 2 कप मिल्क पाउडर और आधा कप घी। कोया बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में दूध ऐड करेंगे, ये ऑलरेडी बॉईल किया हुआ दूध है। इसके बाद हम मिल्क पाउडर को भी ऐड करेंगे और घी भी ऐड करके लो टू मीडियम फ्लेम में इसे चलाते रहना है, जब तक ये कोया का कंसिस्टेंसी ना बन जाए। दूध और मिल्क पाउडर का कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा बन गया है, हम इसमें मिश्री का पाउडर ऐड करेंगे। ये कंसिस्टेंसी करेक्ट है क्योंकि हम नेचुरल कलर्स यूज़ करके ऑरेंज और ग्रीन कलर देंगे। अभी 3 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे इसे। एक पोर्शन में हम ऐसे ही कोया को रख देंगे सेट करने के लिए। ऑरेंज कलर बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। हमने कैरेट को कम्प्लीटली ग्राइंड करके पेस्ट बनाया था, वो पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में इसे चलाना है जब तक कैरेट फ्राई ना हो जाए। कैरेट फ्राई होने के बाद हमने जो कोया का 3 पोर्शन बना के रखा था, इसमें से 1 पोर्शन इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा मिश्री का पाउडर भी ऐड करेंगे स्वीटनेस के लिए। कैरेट और कोया का मिक्सचर गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। ये कंसिस्टेंसी करेक्ट है, अब इसे सेट करने के लिए रख देंगे। अब ग्रीन कलर के लिए हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी को ऐड करेंगे। हमने पुदीने से एक पेस्ट बनाया है, ये पेस्ट को इसमें ऐड करके फ्राई कर लेंगे जब तक इसका रॉ स्मेल ना चले जाए। पुदीना अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें कोया को ऐड करेंगे और मिश्री का पाउडर भी ऐड करके हम इसे गाढ़ा कंसिस्टेंसी होने तक कुक करेंगे। ये कंसिस्टेंसी करेक्ट है, अब इसे भी सेट करने के लिए रख देंगे। कैरेट से ऑरेंज, पुदीने से ग्रीन और नेचुरली कोया से हमारे 3 कलर सेट होके बन गए हैं। अब इसे तिरंगा बनाएंगे। हमारा तिरंगा तो बन गया है, अब अशोका चक्र के लिए भी हम नेचुरली कीरा के ऊपर ब्लूबेरीज के छोटे छोटे स्पोक्स के लिए थिन स्ट्राइप्स काट के इसके ऊपर सजाएंगे। ये सारी मेहनत मेरी बेटी ने किया है अशोका चक्र का, अब इसके ऊपर सजाएंगे इसे। बिना आर्टिफिशियल कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स के हमने तिरंगा बनाया है नेचुरल इंग्रेडिएंट से कोया का स्वीट। आप भी इसे बना के खाइए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्थी रेसिपीज़ के लिए हमारे गुड फूड को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।